खबर इंडिया 7। सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्व में सपा बसपा सरकारें सहारनपुर नगर निगम चुनाव कराने की हिम्मत नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में आए तो आते ही एक दिन में अवैध कत्लखाने बंद कराए, वहीं आम जन को खनन सस्ता मिले इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। योगी ने कहा कि पहले सहारनपुर में माफिया का राज था, आज सारे माफिया बिलों में घुस गए, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। दया शुगर मिल को जल्दी शुरू कराया जा रहा है। पहली बार अगले महीने उत्तर प्रदेश पुलिस में 50,000 युवकों की नियुक्ति चेहरा देखकर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर होगी। 1,00,000 से अधिक टीचर की नियुक्ति होगी। बिजली वितरण एक समान होगा। मुख्यालय में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। बिजली विभाग के अधिकारी वसूली करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सहारनपुर में प्लाईवुड उद्योग से पाबंदी हटा दी गई है। जानिए मुख्यमंत्री के भाषण के मुख्य बिंदु। महापौर पद के प्रत्याशी को चुनने का अवसर प्राप्त होगा। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी से पहले चुनाव कराने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने आपके लोकतांत्रिक अधिकार को बहाल किया है। मैं इसके लिए सहारनपुर नगर निगम के सभी मतदाताओं को बधाई देता हूं और पहली बार मतदान करने के लिए नगर निगम चुनाव में मतदान करने के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दे रहा हूं। जिस प्रदेश में अपहरण एक उद्योग के रूप में फल फूल रहा था, जिस प्रदेश में गुंडा राज चरम पर था और जिस प्रदेश में कोई व्यक्ति कभी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, आज उसी प्रदेश में एक नई स्थिति आप सबके सामने देखने को मिली है। और मैं इसीलिए आपके पास आया हूं, जब हम लोगों ने सत्ता में हम लोग आए थे तो यहां पर किसी भी न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन नहीं होता था। हम लोग आए, हम लोगों ने आते ही अवैध कारनामों को प्रदेश के अंदर सख्ती के साथ रोका और पहले ही 24 घंटे के अंदर जितने अवैध बूचड़खाने प्रदेश के अंदर चल रहे थे, ये सभी अवैध बूचड़खाने एक झटके में पूरे प्रदेश के अंदर बंद हुए थे। और हम लोगों ने तो ये भी आदेश दिया है कि अगर एनजीटी में देर होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आदेश कराए जाने की आवश्यकता है, जिससे आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। लेकिन भाइयों बहनों, साथ ही साथ जिन माफियाओं ने अवैध खनन के माध्यम से यहां की नदियों को और यहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है, उनकी संपत्तियों को भी जब्त किए जाने की आवश्यकता है और ये प्रभावी कार्रवाई पूरे प्रदेश के अंदर बहुत मजबूती के साथ हम लोगों ने प्रारंभ किया है। और इसीलिए हम लोग आए हैं, पहले जो सहारनपुर में माफियाओं की पैरेलल व्यवस्था चलती थी, खनन माफिया, वन माफिया, गौ तस्कर यहां पर हावी होते थे, आज ये सभी के सभी माफिया किसी बिल में छुप करके अपने जीवन के लिए जीवनदान मांगने की गुहार कर रहे हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर किसानों के जीवन स्तर को उठाने के लिए अनेक योजनाएं घोषित की, उनके ऋण माफ किए। पहली बार हो रहा जब गन्ना किसान मिल में गन्ना जैसे दे रहा है, 14 दिन के अंदर उसके खाते में पैसा पहुंच जा रहा है। अब तक अकेले सहारनपुर के अंदर हम लोग 50 करोड़ से ऊपर का गन्ना मूल्य का भुगतान भी इस नए सत्र में कर चुके हैं। यहाँ के व्यापारियों और यहाँ के नौजवानों के चेहरे पर खुशहाली लाई जाए, उस खुशहाली को लाने के लिए आज हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया है। किसानों के कर्जे माफी के साथ साथ उनकी उपज का समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य उनको प्राप्त हो सके, ये कार्रवाई मजबूती के साथ प्रारंभ हुई है। तो युवाओं के लिए भी मैं आप सबका आह्वान कर रहा हूं, पहली बार है जब सरकार आई है, अगले महीने हमारी सरकार पुलिस के सब इंस्पेक्टर और पुलिस कांस्टेबल के 50,000 नियुक्तियों को लेकर के आपके पास आ रही है। भाइयों बहनों, ये 50,000 नियुक्ति उत्तर प्रदेश के नौजवानों की होगी। इनमें चेहरा देख करके कोई नियुक्ति नहीं कर सकता और उत्तर प्रदेश की किसी नौजवान के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ये नियुक्तियां मेरिट के आधार पर होंगी, योग्यता के आधार पर होंगी, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए होंगी। और इसमें अगर नियुक्ति के नाम पर किसी ने पैसा लिया तो जेल भी जाएगा और उसकी संपत्ति को जब्त भी करवाएंगे। आने वाले समय में हमारी सरकार 4,00,000 नियुक्तियों के साथ आपके पास आ रही है।
अकेले पुलिस में ही 1.5 लाख की भर्तियां होंगी। शिक्षकों की 1,76,000 भर्तियों को प्रदेश के अंदर हमें संपन्न करना है। विभिन्न विभागों में नियुक्तियां रही है, आप उसकी तैयारी करिए। पहले आपको बिजली नहीं मिलती थी, बिजली में भेदभाव होता था। सहारनपुर वैसे भी एक कोने का जनपद है, लोग भूल ही जाते थे कि सहारनपुर भी क्या उत्तर प्रदेश का भाग है कि नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने आपके साथ भेदभाव नहीं किया होता तो नगर निगम का चुनाव यहां पर पिछली बार ही हो गया होता, क्योंकि 2009 में नगर निगम बन गया था। लेकिन उन्होंने बिजली भी आपको नहीं दी, उन्होंने इतना अवैध खनन के माफियाओं को इतना प्रश्रय दिया कि एनजीटी को रोक लगानी पड़ी और उसकी कीमत पूरा सहारनपुर की आम जनता को चुकानी पड़ रही है। पूरे प्रदेश के अंदर विद्युत वितरण की व्यवस्था समान रूप से पूरे प्रदेश के अंदर एक जैसी हम लोगों ने दी है। 14 अप्रैल को हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर विद्युत वितरण की एक समान व्यवस्था की, जिसमें प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 24 घंटे विद्युत जलेगी, तहसील मुख्यालयों में 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति। उस व्यवस्था को हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर लागू किया। पूछना चाहिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी से, ये तीनों सरकार, तीनों दलों ने प्रदेश और देश के अंदर सर्वाधिक दिनों तक राज किया, लेकिन इन्होंने अपने पूरे शासनकाल में इन तीनों का मिलाकर के इन्होंने जितने गरीबों को आवास नहीं दिया होगा, अकेले हमारी सरकार ने मात्र 8 महीने में, मैं सहारनपुर आया था पिछली बार, हम लोगों ने आवास योजना का शुभारंभ सहारनपुर में ही किया था। और मुझे कहते हुए गौरव की अनुभूति है, हमारी सरकार ने पिछले 8 महीने के दौरान उत्तर प्रदेश के 11 लाख गरीबों को हम लोगों ने निःशुल्क आवास उपलब्ध कराए हैं। लेकिन सपा और बसपा ने पिछले 15 वर्षों के दौरान शहरी क्षेत्र को, नगरीय क्षेत्र को नारकीय बना दिया है। न सफाई होती है, न पेयजल की आपूर्ति होती है, न लोगों को कोई बुनियादी सुविधाएं मिल पाती हैं। उल्टा गुंडा राज स्थापित करके अपने गुंडों और माफियाओं से जनता का शोषण इन्होंने करवाया है। इस शोषण से मुक्ति के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। यहां पर पॉपुलर का जो किसान है, पॉपुलर उत्पादन करता है, लेकिन यहां पर रोक लगाई गई है। रोक इसलिए लगाई गई है जिससे लोग यहां पर आरा मशीन न चला जाए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने आपकी इस रोक को हटा करके यहां पर एक बार पुनः उद्योग लगाने के लिए, जिससे प्लाईवुड का यहां पर उद्योग लग सके, इसकी अनुमति हम लोग पहले ही जारी कर चुके हैं। ये रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। इन नगरीय क्षेत्रों में हम व्यवस्था इस रूप में देना चाहेंगे, जैसे आपने अयोध्या में दीपावली का उत्सव देखा होगा, हर नगर एलईडी लाइट से ऐसे ही जगमगाएगा जैसे अयोध्या में दीपावली के दिन आपने देखी होगी रोशनी से पूरा अयोध्या जगमगा रहा था। ऐसे ही आपके नगर निकाय की इकाइयां भी जगमगाहट से, पूरी रोशनी से जगमगा उठे। इस दृष्टि से आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि आप सब भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशियों को भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजें। हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं, जो चीनी मिलें बेची गई है उन चीनी मिलों को भी वापस लेने की तैयारियां हो रही हैं। कार्रवाई करने जा रहे हैं हम लोग इन सब मामलों को लेकर के, और इसलिए आज मैं आपके बीच आया हूं कि महापौर पद के हमारे प्रत्याशी श्री संजीव बालिया सहारनपुर नगर निगम से हैं, और अध्यक्ष पद के नगर पालिका प्रत्याशी देवबंद से महेंद्र सैनी, नगर पालिका प्रत्याशी सरसावा से श्री विजेंद्र मोगा, नगर पालिका प्रत्याशी नकुर से शिव कुमार गुप्ता, नगर पालिका प्रत्याशी गंगो से श्रीमती शकुंतला देवी, नगर पंचायत प्रत्याशी चिलकाना से डॉक्टर हुकुम सिंह, नमोता से श्रीमती रक्षा नामदेव, रामपुर से राजेश सवई, तितरो से श्री मामचंद, रेयाड़ से गुरु सिंह सैनी, अंबेहटा से श्री बबीता कश्यप, ये हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं और सामने हमारे पार्षद पद के प्रत्याशी बैठे हुए हैं। आप सबसे अपील है, भारतीय जनता पार्टी के महापौर, चेयरमैन और पार्षद पद के इन प्रत्याशियों को कमल चुनाव चिन्ह पर
भारी मतों से चुनाव जिता करके आप भेजिए, विकास की गारंटी उत्तर प्रदेश की सरकार लेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। देश प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए खबर इंडिया 7 को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल पर सबसे पहले और फ्री में खबर देखने के लिए बैल आइकन दबाएं।